तो भाई दूसरी गाड़ी में हमारे चौधरी हीरा लाल के साथ आ चुके हैं हम। यहाँ तक क्लिच प्लेट ही गई है ना, यहाँ तक मुझे लग रहा है वही है। तीन बलवंती बाद 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 लाउडर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भाई शोर ठाकुर, मेरी तरफ से राम राम है और भाई स्वागत है नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में आपने देखा नई थार और पुरानी थार की टग ऑफ वॉर, तो भाई अभी एक वीडियो और ला रहे हैं, टग ऑफ वॉर ही होने वाली है और किस में होने वाली है वो आपको देखिए सामने। ये आप देख लीजिए कौन सी होने वाली है भाई, मॉन्स्टर है ये तो, मॉन्स्टर कार है भाई साहब। अभी देखो ये देख रहे हो, यहाँ से चढ़ाई है भाई ने। मैंने कहा भाई ये तो डराई देगी भाई साहब, इसमें तो मैं कह ही नहीं सकता कि भाई साहब ये जीतेगी या वो जीतेगी, भाई साहब कुछ भी हो सकता है। खैर अपनी गाड़ी ने थोड़ा सा दिक्कत दे दी थी, अभी धुआं निकल गया था गाड़ी में से 4x2 में। अब देखो भाई क्या होता है अभी भाई साहब, जैसे कि मतलब अपनी गाड़ी पावर तो पूरी पूरी दे रही है, बस थोड़ी सी पुरानी है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही सकती है, थोड़ा सावधानी से चलानी पड़ रही है भाई साहब। और ये तो अलग ही चीज़ है भाई, इसको देख रहे हैं प्रियंक जी। तो भाई क्या सीन है, टग ऑफ वॉर 4x4 तो शायद लगाएंगे ही ना, क्योंकि ऐसा ही कर लेंगे, पहले तो को 4x2 करेंगे। 4x2 में अगर थार जीती है ये जीती है तो उसके बाद 4x4 लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तब लगाएंगे, वरना जरूरत नहीं है मेरे को लगाने की। तो भाई दूसरी गाड़ी में हमारे चौधरी हीरा लाल के साथ आ चुके हैं हम जी, हमारे चौधरी साहब के नाती। क्या नाम है आपका? जीतू पवार जी, और इनको तो आप जानते ही हो। तो ये गाड़ी होगी स्टार्ट, तो पहला राउंड स्टार्ट हो जाने वाला भाई। ये गाड़ी का कुछ लुक इस प्रकार है भाई, देख लो बहुत शानदार है भाई, अलग सीन है इसका। 4x2 हाँ जी स्टार्ट है, सेट करो, टायर चूदे कर लो, टायर चूदे, बस रेडी। देखो एक दो तीन ओ भाई सब नीचे उतर गई गाड़ी, यहाँ पे टिक गई है इसकी जो प्लेट है ना, ये पूरी टिक गई है भाई रोड पे, ये देखो अब यहाँ से आपको यहाँ से पता भाई ये पूरी टिक गई इसके अंदर, टिक गई भाई टिक गई पूरी, पार जाएगी, चलो 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 भाई साहब, ये तो नीचे उतर गई, 4x4 लगाओ भैया, जाने तो यू सवारी ऐसे खेती जैसे कोई गाजर मूरी हो यू। बाकी तो समझ में ही ना आई कहाँ कही, एक एक सिस्टम ये भी बढ़िया ना, इसमें बीच में है बराबर, ये इसका सबसे बेस्ट है भाई। पहले राउंड में क्या था कि भाई ने यहाँ लगा रखी थी ये टोचन जो कि बीच में थी, और अब लगा रहे हैं साइड में क्योंकि वहां में भी साइड में ही है ये रही। चलो कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा मृत्यु भी करी जाएगी। पहले क्या था कि पहले उसमें बीच में लगा रखी थी टोचन, अच्छा, उसमें बीच में सिस्टम है, अब साइड में जैसे हमारी में, तो अब साइड में लगवाई दोबारा, तो 4x2 लगाऊं फिर मैं, 4x2 लगाना, 4x4 ठीक है। एक दो तीन बलवंती बाद 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 बस ये भाई यो ले गए, क्या कहते हो। हाँ हाँ अब दिखाने का मामलो, बस 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 एक बार और, क्या सीन, अब तो इज्जत ही बचाई इसने। नो करे क्रॉस ना हो चुके, ऐसे रस्सी ऐसे हो गई ऐसे करके क्रॉस, अब उसकी पल्ले कोने पे तुम्हारी इल्ले कोने पे, यूं बात है। अब या तो ये सामने सामने हो या तो खेत में करी, खेत में तो फिर कुछ भी ना हो सके, खेत में तो घट जाएगी, कोई फायदा ही नहीं है, घट जाएगी। यहाँ क्या है ना, एक दिक्कत है कि यहाँ स्पेस नहीं है, मेन चीज प्रॉब्लम ये है, अगर खेचा तानी भी हो तो कहाँ ले जाओगे पता चले, एक टिक गई यहाँ पे भाई, एक तो वो आमने सामने होगी ना, अगर सामने से हो फिर तो क्लियर, फोर बाय फोर में हो ही जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ लगभग लगभग हो ही जाएगी, कर तो एक बार बीच में कर भाई, जावे कोई सबरी गाड़ी घर की है भाई, कोई दिक्कत ना है, पर ये हम देख रहे हैं कौन सी में ज्यादा ताकत है। तो भाई पहले 4x4 में पहले इधर करी थी टोचन इस साइड को कोने पे, तो फिर वो निकली, अब ये बराबर में है, यहाँ पे लगा रहे हैं और इसके बराबर वो तो वहीं पे कोने पे लगेगी। अब ये लास्ट लास्ट राउंड है,
हैं। लास्ट है, देखते हैं। उस्ताद कहाँ गए हमारे जीतू भाई? उस्ताद लास्ट है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, फिर सिचुएशन वही आ गई है, बीच में ठीक है। अपर 4x4, फोर बाई फोर है ना, ठीक है। फर्स्ट राउंड में वो जीत ले, जीत गई। सेकंड राउंड में अपन जीत गए 4x4 लगा के, और थर्ड राउंड फिर वही पहले की तरह कर रहे हैं। मतलब वो जो हुक है ना, वो खींचने वाला जो, वो बीच में भाई का बीच तो, में तो ताकत लगती है, सीधी सी बात है, पूरी पूरी ताकत लगेगी। तो करते हैं भाई लास्ट राउंड, ठीक है। एक दो तीन, भाई 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 भाई, बस 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 बस, ये ले जाई भाई, ले जाई। 4x4 तो था, हाँ ले बस, ठीक है। करें एक और बार, एक बार और के बस, एक बार और है, एक बार और है, ठीक है। हाँ चले भाई, देखो भाई गाड़ी पे बैठ चुके हैं इतने सारे बंदे, बदमाश आ गए भाई, बदमाश आ लिए, आ लिए बदमाश। जीतू भाई अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं सेंटर में, देखते हैं कि अब लास्ट राउंड है क्या होता है। बाद बाकी 4x में तो उम्मीद इससे ही है कि ले जाएगी, ठीक है। लास्ट राउंड है 4x4। एक, अरे कहाँ लग रहे हो यहाँ, मैं गाड़ी भी गियर ही ना मान नहीं, अब नौकरी छोड़ा हूं वृंदावन। लग गो, भाई क्या दिक्कत आ रही है, भाई इसकी क्लिच प्लेट जा चुकी है, क्लिच प्लेट गई क्या? फोर बाई टू नहीं लग रहा, लो में लग रही है, लो में क्या होगा सर, क्लिच प्लेट गई क्या होगा बता रहे हैं, लगी ना रहा, ये फोर बाई टू मोड ना लग रहा इसका, पता ना इसने कैसी दम लगाई है, क्या ही हुआ है इसके साथ, इस गाड़ी से टक ओवर करा है अपनी, इसके मतलब गियर ही बंद हो गए इसके। 4x4 लो लग रहा है, 4x4 हाई नहीं लग रहा, 4x2 भी नहीं लग रहा है, और ये भी गाड़ी बंद हो चुकी है, बंद है बिल्कुल, पता ना क्या हो गया इसमें, ये भी बंद और ये भी बंद, भाई साहब ऐसा पता नहीं क्या ही हो रहा है। पहले राउंड में अपनी गाड़ी जो है वो इंजन धुआं देने लग गया भाई साहब, मतलब ऐसा होता है ना, मथुरा में हो आसपास हो तो अपन सही भी करवा ले, अब इतनी दूर आके खराब हो रहा है तो भाई नुकसान तगड़ा वाला है। देखो क्या होता है भाई, कोई मैकेनिक बुलाना पड़े यहीं पे। चलो भाई जैसा होगा दिखाएंगे आपको, टग ऑफ वॉर मतलब भारी पड़ गई हमारी इस मॉन्स्टर से। आई थिंक क्लच प्लेट में दिक्कत आ चुकी है, तो एक बार भाई चेक करेंगे, ये आए हैं तो उसके बाद पता लगता है कि क्या फॉल्ट निकलता है और फिर उसको रिपेयर किया जाएगा। अभी तो टग ऑफ वॉर में खेल हो गया, देखो क्या होता है, पता लगेगा भैया ठीक करेंगे, पहले से ठीक है। तो भाई टग ऑफ वॉर की वजह से हमारी गाड़ी में आ गया है बहुत बड़ा फॉल्ट, जिसकी वजह से आना पड़ा है महिंद्रा शोरूम पे, एजेंसी पे मतलब। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है, भैया अभी चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है। जहाँ तक है तो क्लिच प्लेट गई है, और बाकी अभी चेक करने के बाद पता लगेगा। और प्लान तो आगे भी था ऑफ रोडिंग वगैरह का, बट इस फॉल्ट की वजह से भाई नहीं करवा पाए आगे कंटिन्यू, तो अब देखते हैं क्या रहता है सीन इसका। वैसे जहाँ तक है क्लिच प्लेट ही गई है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है वही है, बाकी कंपनी आई है तो जाके बताएंगे। हाँ ये भी है, तो भाई चलो देखते हैं एक बार चेक करा लेते हैं।
who make the strings louder.